जला कर दिखा देता हूँ, ये बल्ब हमारा ख़राब है। अब ये तीनों बल्ब ऑन है, आप ये दाबते हो तो ये आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो रिमोट से किस प्रकार चल रही है। अब मैं आपको एक बार लाइट ऑफ करके दिखा देता हूँ। फ्रेंड, ये मेरे पास एक लड़ी थी मल्टी कलर में, तो इसके मैं आपको दिखा दूँ, इसके बल्ब फ्यूज हो चुके हैं, आप देख सकते हो ये शॉर्ट हो चुकी है। तो हमारी ये लड़ी तो ख़राब हो चुकी है। इसके साथ में ये बॉक्स होता है एडेप्टर मल्टी कलर चेंज करने के लिए, तो मैं इससे आपको इससे भी अच्छी लड़ी बना कर दिखाऊँगा। तो ये लड़ी तो हमारी ख़राब है, मैं इसको हटा देता हूँ। अब हमें इस बॉक्स के साथ क्या क्या चाहिए, इस बॉक्स के साथ में हमें चार बल्ब चाहिए इस प्रकार से। ये 0 वाट के बल्ब है, 0.5 वाट के, चार तो बल्ब चाहिए। चार बल्ब के साथ में हमें इस प्रकार से चार होल्डर चाहिए। तो मैं इसकी वायरिंग आपको समझाऊंगा इस वीडियो में, कैसे आपको वायरिंग करनी है। इसकी सिंपल वायरिंग नहीं है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और फिर इस बॉक्स में कनेक्शन करके आपको जलाकर दिखाऊंगा। फ्रेंड, मैं चार होल्डर चार बल्ब ले रहा हूँ, आप इससे ज़्यादा होल्डर इससे ज़्यादा बल्ब भी ले सकते हो, इससे बहुत बल्ब अनलिमिटेड बल्ब चल सकते हैं। तो मैं चार होल्डर चार बल्ब ले रहा हूँ आपके लिए। मैं छोटी वायर लगाकर बना कर दिखा रहा हूँ, आप वायर का साइज बड़ा करके गैप देकर भी होल्डरों के बीच में बना सकते हो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, हमारा जो न्यूट्रल का रहता है तो न्यूट्रल आपने सभी होल्डर में कनेक्शन कर देना है। जैसे हमारा इस पिन पे मैंने एक वायर लगा दी, इस होल्डर पे लगा दी, इस पे लगा दी, इस पे लगा दी, लास्ट में वो वायर बाहर कर देनी है। वो सभी में न्यूट्रल हमारा एक साथ जाएगा और कनेक्शन बाहर आ जाएगा। तो मैं वायरिंग कर लेता हूँ इसकी। इस प्रकार से आपने वायरिंग करनी है, सभी में एक एक वायर जोड़ के बाहर निकाल लेना है। इस प्रकार से आपने वायरिंग करनी है। फ्रेंड, इसी प्रकार से मैं ये दूसरे होल्डर में भी कनेक्शन कर रहा हूँ। हमारे ये दो होल्डर में न्यूट्रल का कनेक्शन हो चुका है, ये आप देख सकते हो। इस प्रकार से आपने कनेक्शन करता रहना है। अब मैं तीसरे होल्डर में कर लेता हूँ। अब ये मैं तीसरे होल्डर में कनेक्शन कर रहा हूँ, ये तीसरे में भी हमारा कनेक्शन हो गया, ये हमारी वायर बाहर आ चुकी है। ये मैंने लास्ट होल्डर की वायरिंग भी कर ली, आप देख सकते हो सभी वायरों में मैंने सभी होल्डरों में न्यूट्रल का कनेक्शन दे दिया है। ये लास्ट में हमारी वायर बाहर आ चुकी है। तो इसी प्रकार से आपने सभी में कनेक्शन करके एक बाहर निकाल लेनी है वायर से। सबसे मेन वायरिंग मैं आपको आप बताऊंगा, इस बॉक्स में अगर आपने कनेक्शन करना है तो इसमें तीन वायरिंग का कनेक्शन होगा। तो आप इसमें से तो दो ही वायरिंग निकाल सकते हो न्यूट्रल और फेस। अब तीन वायरिंग आपने इसमें से कैसे निकालनी है वो मैं आपको बताऊंगा। ये हमारा मान लो एक न्यूट्रल या एक फेस आ गया सभी होल्डरों में लग के एक वायर। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट के न्यूट्रल पे एक वायर लगा देनी है, सेकंड छोड़ देना है, थर्ड पे लगा देनी है, फिर बाहर निकाल लेना है। तो हमारी दो वायर हो जाएगी। फिर इसी प्रकार से लास्ट में एक इसमें लगा देना है, फिर एक वायर इसमें लगा देना है, बाहर निकाल देनी है। मतलब कि एक होल्डर छोड़े एक के, जिसके कारण ये मल्टी कलर में ऑन ऑफ करेगा इस एडेप्टर में वायरिंग करने के लिए। मैंने इसमें इस प्रकार से आप देख सकते हो मैंने पहले होल्डर में कनेक्शन कर लिया है, मैंने रेड वायर ली है। तो पहले होल्डर का हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है, आपको इसको बंद कर देना है। दूसरे होल्डर में इसका कनेक्शन नहीं देना है, तीसरे होल्डर में आपने ये कनेक्शन देना है। इस प्रकार से तीसरे होल्डर में आपको ये आप देख सकते हो मैंने दूसरा होल्डर छोड़ के तीसरे में कनेक्शन कर दिया है। तो हमारा इस होल्डर का भी वायरिंग कंप्लीट हो चुका है, इसमें से एक रेड वायर बाहर आ चुका है कनेक्शन का। तो इस प्रकार से आपने ये पैक कर देना है। तो आप ये देख सकते हो मैंने रेड वायर पहले होल्डर में दी है, तीसरे में दी है, वायर बाहर निकाल दिए। तो हमारी दो वायर बाहर आ चुकी है, दो होल्डर का हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है, बच गया इन दो होल्डरों का। अब उसका भी मैं आपको बताता हूँ। तो आपने मैंने ये तीसरा वायर येलो कलर का लिया है, तो आपने दूसरे होल्डर पर लगा लेना है। मैं दूसरे होल्डर पर लगा लेता हूँ, ये दूसरे होल्डर पर लगा कर आपने टाइट कर देना है। ये मैंने कस दिया है, इस होल्डर का हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है।
तो इसी प्रकार से हमारे चौथे होल्डर का भी कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। मैंने येलो वायर ली थी, तो इस प्रकार से आपने होल्डर को बंद कर लेना है। तो हमारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो आप देख सकते हो वायरिंग आपको मैंने दिखा दिया। अब हमारी तीन वायर निकली है इसमें से, एक रेड, एक येलो, एक ब्लू, ये तीन वायर है। अब इस तीन वायर का कनेक्शन हमें इस एडाप्टर में करना है। तो सबसे पहले मैं इसमें 0 वाट के बल्ब ऐड कर लेता हूँ होल्डर में। ये मैंने सभी बल्ब ऐड कर लिए। अब ये तीन वायर है हमारे पास कनेक्शन के लिए, आप देख सकते हो। अब तीनों वायर को आपने कैसे लगाना है फ्रेंड, मैं आपको दिखा दूँ। ये हमारा जो बॉक्स है आपको ऐसे ओपन कर लेना है। तो इसमें इस प्रकार की चिप निकलती है, तो मैं आपको समझा दूँ। इसमें ये सीधा लाइन से चलने वाली है, इसमें एसी डीसी का कोई मतलब नहीं है। इसमें इधर में 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ये डायरेक्ट लाइन के हैं, न्यूट्रल और फेस। इस पे तो हमें लाइन लगानी है। इस साइड में 3 पॉइंट है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 3 हमारा ऑफ है, 2 पॉइंट हमारे ये हैं, 1 पॉइंट ये है। तो जो हमारा नंबर 1 ग्राउंड है, तो वो इसमें से सभी होल्डरों में से जो हमारा निकल के आया है, न्यूट्रल मान लो चाहे फेस, सभी होल्डरों में जो वायर लगा हुआ है हमारा ब्लू कलर का, तो ब्लू कलर का कोने पर लगाना है। जो हमारे ये 2 पॉइंट है, इस पे हमें जो रेड और ब्लू वायर, येलो वायर है, ये दोनों लगानी है। किधर में भी लगा सकते हो आप, मैं आपको अब सोल्डिंग करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने येलो वायर को इस पे लगा लेना है, उसके बाद ने रेड वायर को लगाना है आपने। ये हमने रेड वायर भी सोल्डिंग कर दिया है। अब जो हमारा न्यूट्रल का तार था जो सभी होल्डरों में लगा हुआ था, उसको आपने सब में लास्ट में सब में साइड में लगाना है, जो हमारे कोने पर चिप में दिया हुआ है। ये हमारी कनेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारी लाइन की वायर है, तो मैं लाइन की वायर का कनेक्शन कर लेता हूँ। इस साइड में 2 पॉइंट है, दोनों पे आप कोई सी वायर टेक सकते हो। मेन सप्लाई की वायर है ये, हमारी कंप्लीट कनेक्शन हो गया है। अब आपको ये जो हमारा बटन है वापसी से इसमें रख लेना है, और इस चिप को आपने इसमें ऐड कर लेना है। वायर को तीनों को यहाँ से निकाल लेना है, इस प्रकार से ये दोनों वायर यहाँ से निकाल लेनी है। बॉक्स को वापसी से बंद कर देना है। आप देख सकते हो ये वायर मैंने पैक करके बॉक्स बंद कर दिया है। ये हमारा बटन है, आप आवाज़ सुन सकते हो। यह हमारा मेन सप्लाई का वायर है। तो फ्रेंड, हमारी लड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको जलाकर दिखाता हूँ। आप देख सकते हो ये किस प्रकार से चल रही है। हमारा ये बल्ब ख़राब है, मैं चेंज करके दूसरा लगाऊंगा। आप ये देख सकते हो, ये हमारा बटन है भाई। ये छोटे डैंग कितने का है? तो फ्रेंड, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर करना। आपको मैं दोबारा जला कर दिखा देता हूँ। ये बल्ब हमारा ख़राब है। अब ये तीनों बल्ब ऑन है, आप ये दाबते हो तो ये आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो रिमोट से किस प्रकार चल रही है। अब मैं आपको एक बार लाइट ऑफ करके दिखा देता हूँ, ये कितनी अच्छे प्रकार से चल रही है। चेंज करता हूँ, देख सकते हो उस लड़ी से भी, इस लड़ी से भी अच्छी मैंने ये लड़ी आपके लिए बनाई है।